आईपीएल 2019 का मैच नंबर 11 सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच 31 मार्च 2019 को होगा मुकाबला। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 4 बजे से मैच शुरू होगा और इसका टॉस 3:30 बजे होगा। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन के 2 मैच खेल चुकी है। 24 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच खेला था। यह मैच ईडन गार्डन में खेला गया था, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 29 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान के बीच मैच खेला गया था। सनराइजर्स के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने इस मैच में तूफानी पारी खेली, जिसकी बदौलत सनराइजर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स की यह इस सीजन की पहली जीत है, तो वहीं बेंगलोर भी इस सीजन के 2 मैच खेल चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का पहला मुकाबला 23 मार्च को चेन्नई के सुपर किंग्स के साथ हुआ था। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और उनको हार का सामना करना पड़ा था। विराट कोहली की इस टीम का दूसरा मुकाबला 28 मार्च को मुंबई इंडियंस के बीच हुआ। ये मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। इस मैच में कप्तान विराट कोहली ने 46 रन का योगदान दिया। कोहली ने अपनी इस पारी के दौरान आईपीएल में 5000 रन भी पूरे किए। वो ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। लेकिन इसके बाद भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत हासिल नहीं कर पाई और 6 रन से हार गई। कप्तान विराट कोहली की टीम अपने दोनों ही मैच हार चुकी है। अब इस मैच में जीतने के लिए उनके आगे बड़ी चुनौती है। सनराइजर्स हैदराबाद को हराने के लिए विराट की टीम को मैदान में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी कप्तान केन विलियमसन, जॉनी बेयरस्टो, यूसुफ पठान, डेविड वार्नर, इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ी कप्तान विराट कोहली, शिमरोन हेटमायर, मार्क स्टोनिस, मोहम्मद सिराज, देवदत्त पी, और इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें और जीतिए ढेर सारे इनाम। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल tentrend.com और दबाएं बेल आइकन ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें।